चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, इन द सर्किट शोन बिलो व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर एंड अ मीटर। देखो इस सर्किट में इंडक्टर लगा है, कैपेसिटर लगा है और रेजिस्टर लगा है। रेजिस्टर की वैल्यू R इज इक्वल टू 100 ओम है और इंडक्टर के अक्रॉस 300 वोल्ट है और कैपेसिटर के अक्रॉस भी 300 वोल्ट है। इट मींस VL और VC की वैल्यू इक्वल है, वो 300 वोल्ट के इक्वल है, ठीक है। इट मींस ये रेजोनेंस का केस है, रेजोनेंस के केस में XL की वैल्यू XC के इक्वल होती है। तो जनरली नेट पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वी नेट इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो VL और VC की वैल्यू इक्वल है, क्वेश्चन में ऑलरेडी फिगर में दिया हुआ है। इट मींस वी नेट की वैल्यू कितने के इक्वल होगी, VR के इक्वल होगी। और वी नेट की वैल्यू है कितनी, 220 वोल्ट। देखो यहां पर लिखा हुआ है AC का जो अप्लाइड वोल्टेज है 220 वोल्ट है, तो VR की वैल्यू भी उतनी ही होगी, 220 वोल्ट अक्रॉस रेजिस्टर, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन Z। V की वैल्यू 220 वोल्ट है और Z की वैल्यू कितनी होगी, Z की वैल्यू होती है Z इज इक्वल टू अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर LCR सर्किट में। और क्योंकि ये रेजोनेंस का केस है इसलिए XL की वैल्यू XC की इक्वल है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो Z इज इक्वल टू R के बराबर होगा और R की वैल्यू 100 ओम है, तो ये वैल्यू यहां रख दें और Z की वैल्यू 100 ओम हो गई, तो ये 100 से डिवाइड कर देंगे, 2.2 एम्पियर करंट की वैल्यू होगी। तो वोल्टेज कितना होगा रेजिस्टर के अक्रॉस, 220 वोल्ट, और करंट कितनी होगी, 2.2। तो ये वाला सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।